व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी और मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। भाई फुकरा इंसान ने बिग बॉस 17 कंफर्म कर दिया है, ये सुन के एक बार के लिए तो हमारी गाइस डरा दिया यार। अल्ला एक मिनट इंट्रो तो देने दे फुकरे। तो गाइस ऐसा सीन है कि फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक हैज कंफर्म्ड बिग बॉस 17, ये उसने वीडियो डाली है। तो अभी देखते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। हाँ बहुत सारे लोग जो जिन लोगों को लगता है कि देखते क्या है, पहले फिलहाल उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और गाइस 200,000 सब्सक्राइबर कराओ यार, जल्दी जल्दी, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू गाइस के तुम जल्दी से जल्दी 200,000 सब्सक्राइबर करा दो यार। कैसे हो आप सब, आई लव यू गाइस। आज का दिन है जब हम गुफ्तगू करने वाले, आपसे वन ऑन वन टॉक करने वाले, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, मतलब सीधा दिल से दिल की बातें, नो मीम रिएक्शन। शुरू करते हैं सबसे पहले, मतलब मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकला हूँ, माई लाइफ है, मतलब ये इट विल बी लाइक Q&A या क्या होने वाला है। Has been a roller coaster ride. कभी मैं उठता हूँ चंडीगढ़ में, सोता हूँ श्रीलंका में, दिन दुगनी रात चौगनी है कहाँ पर कोई पता नहीं, मतलब वो वाला सीन। और हम विश भी करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे भाई हमारा, छोटा भाई मानते हैं यार, चलता है यार, चल रहा है, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं पर आ बहुत कम रहे, डिले हो क्या रहे। तो मैं सबको पहले बता दूं, पहले तो तुम्हारा वो क्वेश्चन जो तुम सुनना चाहते हो उसका जवाब दे देता हूं। Am I going to Big Boss 17? 100% नहीं जा रहा। Yes, I was offered the show. मतलब जिस दिन मैं बिग बॉस OTT के घर से बाहर निकला था, But उसी के अगले दिन रात को मुझे बिग बॉस 17 सीजन ऑफर हो गया था एंड आई सेड नो। आई नो, मतलब बहुत लोग हो जो देखना चाहते हो मुझे बिग बॉस 17 में, बहुत लोग हैं जो नहीं देखना चाहते, बट मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ OTT अभी मैंने कर लिया है, मेरी लाइफ में एक था कि मुझे बिग बॉस अगर कभी ऑफर होगा तो ठीक है कर लेंगे, मतलब जो भी है, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर लेंगे, बट मतलब एक ऐसा था कि आएगा तो एक बार एक्सपीरियंस ले लेंगे, तो एक्सपीरियंस मैंने ले लिया और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे बिग बॉस 17 नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि एंटर करो फर्स्ट डे से, या अगर आप वाइल्ड कार्ड जाना चाहो तो चल जाओ, बट आई वॉज लाइक नहीं ब्रो। अब यार अगर जाए भी तो वाइल्ड कार्ड ही जाना चाहिए था, बट ही इज नॉट गोइंग, दैट्स गुड। भी बिग बॉस 17 इज नॉट फॉर मी, दो आई लव्ड प्लेइंग दैट गेम। गेस्ट तो जा सकता है। लव्ड इट। इट इज अ टॉर्चर, घर वालों की बहुत याद आती है, बट खेलने का मजा है एंड आई एम नॉट गोइंग राइट नाउ, बट आई नो अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आर गोइंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर देखो, उनको सपोर्ट करो, टीवी से भी होंगे और भी बहुत सारे नाम्स आ रहे हैं। मे द बेस्ट मैन विन, आई एम आउट ऑफ बिग बॉस 17, नॉट गोइंग ऑन बिग बॉस 17। Secondly, my biggest projects in एक तो Netflix वाला आ रहा है, ये मैं आंसर कर रहा हूँ क्योंकि जो जो सुनी सुनी बातें हैं अब यहाँ पे कंफर्म हो रही है, क्योंकि पता क्या है नीचे कुछ चमन लिखते हैं कमेंट्स में, अपनी तरफ से बना के बता देते हो। देखो एक तो Netflix का प्रोजेक्ट है और एक फिल्म ऑफर हुई थी, ये भी मुझे पता है, और क्या था, गाने बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, टी सीरीज के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये मुझे पता है। अब हाना का देखते हैं के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइस, मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकला था, बट आई मेड श्योर कि मेरे लिए सबसे पहले जो मेरा बेबी है फुकरा इंसान यूट्यूब चैनल, मैं उसको ग्रो करूं। तो मैंने CM वाला वीडियोस पे करा, उरी सुपरस्टार वाला वीडियो, बहुत एक्सपेंसिव वीडियोस थे, और अभी खली के साथ भी एक वीडियो आ रहा है, वो भी बहुत पैसे लगे होंगे उसके ऊपर भी, और एक मिस्ट्री बॉक्स आ रहा है 25 लाख वाला, मतलब पैसे खर्च रहा है यार फुकरा। वीडियोस पे करा एंड अब आने वाला है क्रेजीएस्ट, मतलब आप मानो आई हैव स्पेंट, वैसे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मेरी लास्ट 3 वीडियोस CM वाली 25 लाख, मिस्ट्री बॉक्स और ग्रेट खली वाली वीडियो, ये 3 वीडियो मिला के वी हैव स्पेंट मोर देन 65 लाख रुपीज। भाई यार ये ड्रीम होता है इतने बड़े बजट की वीडियोस बनाए एक यूट्यूबर, मेरा भी है यार ये ड्रीम, कोई नहीं आएगा टाइम, एक बार ग्रो कर जाए फिर सब करने वाले हैं। मैं हमेशा सोचता था कि भाई मैं इतना पैसा लगाऊंगा वीडियोस में और ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊंगा और लोगों को इंस्पायर भी करूंगा, एंटरटेन भी करूंगा, मतलब मेरे को सारा मिक्सचर रखना है कंटेंट, क्योंकि इन 3 वीडियोस में इतना स्पेंड कर दिया, और जो नेक्स्ट वीडियो हम सोच रहे हैं हम कुछ बहुत बड़े लेवल पे सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं, तो यूथ वाला ना इन मतलब इम्पैक्ट आना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि भाई ये है यूट्यूबर यार, इसको देखना है यार क्या वीडियोस बनाता है, तो मेरा प्लान वो है, मैंने उस पर काम करा है और बहुत मैंने पहला जुदाइयां करा म्यूजिक वीडियो प्ले DMF पे, उसके बाद मेरे को बहुत सारे ऑफर हुए हैं, मैं कर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैंने मना कर दिया, बट सबसे पहले आई वॉन्टेड टू रिलीज माई फेवरेट सॉन्ग्स
नूरी, जो मतलब मेरा पर्सनली फेवरेट सॉन्ग है, 13th को वो गाना आउट हो रहा, कल रिएक्शन भी आउट हो रहा अपना है मलहान रिकॉर्ड्स पे, तो मलहान रिकॉर्ड्स को जाकर सब्सक्राइब कर देना उस। और भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो फुकरा भाई देख रहे हैं, वो मेरे को पता चल गया उन्होंने उसके ऊपर ब्लॉक लगा रखा है, वीडियो यूज ही नहीं कर सकते, ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो भी ब्लॉक हो गई है, मेरी तो चलो हुई हुई, बाकी रिएक्शन चैनल्स की भी वीडियो ब्लॉक हुई हुई, ट्रिगर्ड इंसान ने भी गाने पर रिएक्शन करा, ब्लॉक हो गया भाई लिटरली। मतलब क्या चल रहा है ये मलन रिकॉर्ड्स पे, गाने के साथ ये मत करना यार, गाने पे ऐसा जोर शोर से हल्ला करना, मतलब दिल के पास वाला गाना है, आप मेरा रैप सुनोगे उसमें जैसे गाना गोस लाइक लिफ्ट करता है वो गाना, इतना प्यारा है नूरी, वो आप जरूर okay. सुनना। उसके बाद हमारा गाना, यस हमारा गाना आ रहा है, कॉन्सर्ट भी तो आ रहा है टी सीरीज पे, टी सीरीज के साथ, और वो गाया है विशाल मिश्रा सर ने, विशाल ने, तुम वीडियो देख रहे हो, मैं उसके शूट करने के लिए मुंबई में होऊंगा। अरे यार इसका मतलब इंडियन आइडल में भी आ सकता है यार फुकरा, क्योंकि श्रेया घोषाल मैम तो इस टाइम जज है इंडियन आइडल में, और टी सीरीज के सारे गाने इंडियन आइडल में बजते हैं, तो प्रमोशन के लिए इंडियन आइडल जा सकता है फुकरा। और दैट इज गोना बी दिस इज 6 मिनट सॉन्ग, तो मतलब उसका शूट भी 2-3 दिन चलने वाला है, एंड वो गाना भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, नेहा मैम के साथ भी गाना आ रहा है, थोड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो आ रहे हैं। नेहा कक्कड़ के साथ जो गाना आ रहा है ना, वो मनीषा रानी के साथ भी है शायद गाना, तो तुम टेंशन मत लो, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही है, मतलब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि आप बाहर के प्रोजेक्ट्स करो, आई वांट टू बाहर के प्रोजेक्ट्स, बट इनिशियली मतलब वो होता है ना, मतलब मैं तुम्हें को हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरी सोच है यार, आई विल ग्रो माय बेबी फर्स्ट एंड देन धीरे 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 आई विल ग्रो बाकी सारी चीजें। और बाकी लोग यही गलती करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो नहीं करते साथ साथ, वो क्या कहेगा बाहर के प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए उधर निकल लिए, तो वो नहीं करना है, अपने प्लेटफॉर्म को साथ साथ ग्रो करना जरूरी है। He is doing right at this point. करूंगा, सब करूंगा, दिल से दिल की बात करने बैठा हूँ तो तुम्हारे को सब बता ही रहा हूँ, धीरे धीरे सारे सारे राज भी खोल रहा हूँ। नेक्स्ट आती है बात होस्टिंग की, मतलब बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई होस्टिंग का क्या सीन है आपका। हाँ वो उसकी बात चली थी ना, कौन सा शो था ये, लॉकअप। देखो होस्टिंग के लिए हम मतलब कैसे समझाऊं तुम्हारे को, हम पहले इंटरेस्टेड थे बट फिर वो होस्टिंग का जो चीज थी ना वो 42 डेज है, एंड लिटरली मैं लास्ट 30 डेज में सिर्फ 4 दिन घर रहा हूँ, वो भी मैं यूट्यूब वीडियो जब शूट करने आया हूँ तभी, तो मैं वो यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए आता हूँ और उसके बाद मैं जा रहा हूँ मुंबई कभी इधर उधर शूट वूट करने के लिए, तो मतलब 42 डेज उस चीज को देने का मतलब है वहीं रहना और सारी चीजों को छोड़ना, एंड आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ, तो हमारी बातचीत चल रही है। एक बड़ी वियर्ड सी चीज़ है, देखना तुम नोटिस करोगे, पूरी वीडियो के अंदर रिएक्शन तो कर नहीं रहा अभिषेक, तो हेडफोन क्यों पहने हैं? ये होता होता कई बार, मैं किसी वीडियो का रिएक्शन करूँ ना, जब उसका रिव्यू करता हूँ तो वो कंटिन्यूटी में बन जाती है वीडियो, तो हेडफोन डरे रह जाते हैं, मैं रिव्यू दे देता हूँ, और किसी को ये भी ध्यान नहीं आता कि वीडियो के अंदर हेडफोन डाल के क्यों बैठा है, कोई रिएक्शन तो कर नहीं रहा। होस्टिंग के अलावा अगर गेस्ट अपीयरेंस कुछ चीज बनती है तो उस एक एक्स वाई जी जो शो होने वाला है उसमें हम जाएंगे एज अ गेस्ट, बट आई डोंट वांना रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, मुझे चीजें बाहर की भी करनी है गाइस, थोड़ा मैं दिमाग से भी चल रहा हूँ, थोड़ा दिल से चल रहा हूँ, तुम लोगों को खुश कर रहे हैं, तो हाँ हो ये सारी चीजें यार, पेशेंस पेशेंस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली में जो भी रहता है और दिल्ली के आसपास कहीं से भी यार, 29 अक्टूबर को हमारा शो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बोला था ना होने वाला है, फर्स्ट लाइव नहीं कंफर्म, आई वांट यू गाइस टू बी देयर, भाई सब आओ, हमारे इतने सारे गाने हैं, बिग लाइफ, तुम मेरे, दिन ते रात, रांझा, फेक लव, अरसा, फ्लेक्स, मीम सॉन्ग, और उसके बाद अब नूरी रिलीज हो जाएगा, और बिग सरप्राइज, बिग लाइफ रिटर्न्स इज आल्सो कमिंग, तो ये nice. सारे गाने हम परफॉर्म, मजा आएगा, परफॉर्म करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 29 तारीख को। वेन्यू शायद चेंज हो सकता है, दिल्ली में ही होगा ये 100% है, 99% जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ही है 29 अक्टूबर, एंड आई वॉन्ट आप सब लोग डेट और टाइम मार्क कर लो गाइज, जो जो जाना चाहेंगे, अपनी फैमिली के साथ आओ, इट्स गोना बी अ फन, बैंड के साथ तुम्हारा भाई परफॉर्म करेगा, और तुम्हारे को क्या चाहिए मेरी जान, I love you guys so much. आ जाओ, सारे आओ यार, सारे लाइव कॉन्सर्ट तो चलो अब आप लोग आओगे, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जल्दी जाके अपनी अपनी टिकटें बुक कर लो, और मैं भी अपनी वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा ये वाला,
तो कर लेना टिकट बुक आ जाओ। नेक्स्ट लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप वेब सीरीज कब कर रहे हो और नेटफ्लिक्स की वीडियो जो आप करके आए थे वो क्यों नहीं आई। भाई सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो, मतलब ये वाली बात भी मेरे को करनी थी सबसे कि यार इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमने शूट करे, नेटफ्लिक्स की वीडियो शूट करके आए हैं हम, यूट्यूब के लिए उनका इतना बढ़िया मतलब वीडियो होस्ट करके आया, मैं वो शूट करके आया इतने टाइम पहले, वो अब तक रिलीज नहीं हो क्योंकि जो शो था वो पोस्टपोन हो गया, बट वो वीडियो आने वाली होगी और जैसी वो वीडियो आएगी तुम लोग जाके धुआंधार धमाका मचा दे। अरे नेटफ्लिक्स से याद आया, योयो हनी सिंह पाजी की डॉक्यूमेंट्री भी तो आ रही है ना उस पे, क्योंकि वो वीडियो काफी क्रेजी है, मतलब काफी काफी ज्यादा क्रेजी वीडियो बनी है वो। सेकंड जो मूवी की बात करते हैं, यस वी वर ऑफर्ड अ रोल बट इट वाज अ साइड लाइन रोल एंड आई साइड रोल क्यों करना है भाई, यूट्यूबर है तो साइड रोल दे दो, ये फिल्मों वालों को सही चल रहा है, या कैमियो करवा दो। I don't know why, मतलब YouTube में अगर मैं किसी से इंस्पायर्ड हूँ ना इन चीजों को लेके तो मैं देखता हूँ भुवन भाई को, तो भुवन भाई has never done second lead, ठीक है। जब तुम लोगों से सीखते हो ना तो तुम उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखो कि इस इंसान ने अपनी जर्नी कैसे करी है, और अगर तुम जाके सेकंड लीड बनोगे तो शायद मे भी तुम लाइफ में सेकंड लीड ही रह जाओ। दैट इज माई थिंकिंग, मैं सोचता हूँ जैसे भुवन भाई ने पहले अपना वो निकाला था धिंडोरा, धिंडोरा के बाद ताजा खबर, तो ही इज ऑलवेज बीन द मेन कैरेक्टर, तो आई फील ऑब्वियस ये ग्रोथ का साइन होता है कि हाँ कैमियो करके आ जाते हैं लोग फिल्म में, वो नजर भी नहीं आया एक पॉइंट के बाद, वो फिर वही अपने बैक टू उसी लेवल, वो लेवल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप कर रहे हो ना तो धीरे 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 लेवल अप होना चाहिए। अभी देखो हमारा जो ग्रोथ का लेवल है, इतना ज़्यादा बजट नहीं था लेकिन फिर भी इकट्ठा कुट्ठा करके जुगाड़ करके हमने अपना ये जो बैकग्राउंड है ये सेटअप करा है, सारा ओवरऑल सेटअप हमने चेंज करा है, धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी भी बेटर करेंगे, धीरे धीरे मैं अब आपको पता ही है कि ट्रैवल व्लॉगिंग की तरफ भी स्विच करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो वो भी हो जाएगा, तो मतलब बहुत सारा कुछ हो रहा है। ये डिस्कशन जो सारी है ना ये हम करते हैं लाइव में, रात को 10:30 बजे इसी चैनल पे लाइव होती है, तो वहां पे डिस्कशन होती है, अगर तुम्हारा मन करे आ जाना। नो वन विल गिव मी लीड रोल अभी, बट मुझे सत्य मेरे को स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, सीधा मूवीज में नहीं जाना चाहिए, हमारे को अपनी एक वेब सीरीज निकालनी चाहिए जिसकी बात चल रही है, एंड हमने मेरी टीम ने कॉन्सेप्ट भी पिच करा, बिकॉज हमें जो कॉन्सेप्ट ऑफर हुए थे वो ना बड़े ऐसे रोम कॉम वाले थे, मतलब पूरा जोनर करना नहीं था रोमांटिक वाला, मतलब मुझे जो चीज करनी थी, मुझे जो पसंद है वो हमने पिच करी है। कॉमेडी करेंगे, फनी कर सकते हैं, थ्रिलर कर सकते हैं, मतलब रोमांटिक कपल वाला एंगल होता है जिनके बीच में धोखाधड़ी हो जाती है और लड़का पीछे पीछे भागता है, वो हला करने को मे भी फ्यूचर में करूं, बट अभी मेरे को जब चीजें ऑफर हुई वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं यार ये आशिकी बनाया आशिकी बनाया नहीं करते, अभी अभी थोड़ा थोड़ा ना एकदम फनी वाइब में या थ्रिलर वाइब में जाते, तो आई वॉन्ट टू डू दैट काइंड ऑफ वेब सीरीज एंड उसकी बात चल रही है। बाकी मैं तुम्हारे को एक छोटी सी बात बताता हूँ, यूट्यूबर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट, यू डोंट नीड टू ना डिपेंड ऑन एनीवन। मैंने एक वेब सीरीज बनाई मेरी और मेरी टीम ने और हम उसको पिच कर रहे हैं, अगर वो वेब सीरीज वो खरीदे ना खरीदे कोई दिक्कत कोई है यार, हम खुद बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, तुम लोग हो तो प्यारे, तुम किस लिए हो ये पपिया लो ना तुम देखोगे हम डालेंगे इजी चैनल पे डाल देंगे, फुकरा इंसान मेन चैनल पे डाल देंगे, नया चैनल खोल देंगे, तुम सपोर्ट करने के लिए तो हो ना, तो उसकी टेंशन मत। वो डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है एज अ यूट्यूबर के, हाँ हमें कोई और प्लेटफॉर्म चाहिए, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में हमारा प्लेटफॉर्म 1,86,000 पता नहीं 87,000 पे है, 2,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा हम इसको एक ऐसे लेवल पर ले जाएँ कि हम नए आर्टिस्ट की वीडियो डालें वो भी चले, ऐसा ना हो कि हाँ हम एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जॉनर को सपोर्ट कर रहे हैं, नए यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर सके, नए आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सके, वो होना जरूरी है लिटरली। मतलब देखो लाइफ इज अ धीरे 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 प्रोसेस, देखो ये चीज मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे ये बिग बॉस फेम है दिस इज अ टेम्पररी फेम, तुम बिग बॉस करके आओगे 2-3 महीने तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, फिर नया सीजन आ जाएगा, नए लोग आ जाएंगे, नए म्यूजिक वीडियोस होंगे, व्हाट डू यू डू डिफरेंट, ये वाला माइंडसेट समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं समझता हूँ। दैट्स व्हाई माय गोल वाज इनिशियली टू ग्रो माय बेबी, जब मेरे पास वो टाइम है लोगों को दिखाने का कि भाई, यही बात मैंने भी बोली है कि इनिशियल फेम होता है इस टाइम पे अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करो विच इज योर यूट्यूब चैनल, किसी को भी फेम मिले हाइप मिले किसी रियलिटी शो से उसको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना। मैं ये चीज़ें हाँ एक बार के लिए तुम्हें चक्काचौंध अच्छी लगेगी कि पैसे आए फटाफट फटाफट ये भी ले लो ये भी ले लो, नहीं ये भी ले लो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा बेस है ना इस टाइम पे अगर पैसे आ रहे हैं तो हमें ये चैनल को ग्रो करने की तरफ चलना चाहिए, अगर ये चैनल ग्रो होएगा तो लॉन्ग टर्म लाइफ अच्छी रहेगी, ये एक एक्चुअल फैक्ट है।
से करता हूँ तो लोगों ने अब देखा तो मे बी लोग वो पसंद कर रहे हैं और वो मेरे से जुड़ेंगे। म्यूजिक वीडियोस भी कर रहे हैं हम धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वेब सीरीज। और अगर भगवान की दुआ रही, भगवान हमारा साथ देगा, आप लोग हमें प्यार दोगे तो आएगा भाई, फुल फ्लैश मूवीज भी आएंगी, वेब सीरीज आएगी। वही वाली बात है ना, जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होना है। तो हमारा जो बनता है, हमारा बल पड़ेगा, हम करेंगे। इस वाली वीडियो में मैंने आपसे काफी दिल की बातें कर ली, सारी जो मेरी लाइफ में चल रहा। बेसिकली इट वॉज अ Q&A, अच्छा लगा देख के। मैंने आपको बता दिया, हाँ एवरी डे वी आर शूटिंग, एवरी डे वी आर डूइंग समथिंग टू मेक यू गाइस प्राउड। तो बी विद अस, पांडा गैंग, ओपी, आई लव यू गाइस, एवरीवन आउट देयर, आई लव यू एंड आई नो यू लव मी टू, एंड वी ओनली स्प्रेड लव, वी डोंट स्प्रेड हेट। मिलते हैं अगली वीडियो। यार फुकरे को एक मेरा मैसेज पहुंचा देना, मैं हूँ लुधियाना से ही, आंटी आजकल लुधियाना में आ रहे हैं बार बार, कोई उनके घर में मेडिकल इशू चल रहा है, अगर कोई सपोर्ट की किसी भी तरीके की लुधियाना में चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, प्लीज़ डू टेल मी, ऑलवेज देयर। तो बस इतना ही बोल सकते हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, जय हिंद। मुझे नहीं पता है कि खैर आंटी कहाँ पे, अगर पता होता तो ऑब्वियसली मिल के आता, बट अगर तुम लोग बोलोगे तो ये बात पहुँच सकती है। तो अगर किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, वैसे तो आई होप ज़रूरत ना पड़े, बट अगर पड़े तो हैं भाई, देख लेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में।